कक्षा छठी ब का छात्र हूँ। मैं आशीष कक्षा सातवीं अ का छात्र हूँ। आज हम आपके समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहे हैं। यह मुद्दा है एक जागरूक मतदाता का। मतदाता कौन है? वोटर किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो अपना मत देता है उसे मतदाता कहते हैं। मत एक महत्वपूर्ण अधिकार है। सुनने में जितना साधारण लगता है असल में उतना ही बलशाली है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चुनाव आयोग का निर्माण हुआ था। इसीलिए हर वर्ष यह दिवस मतदाताओं को समर्पित है। हर मतदाता देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस मत के अधिकार को पाने के लिए इतिहास से लेकर वर्तमान तक बहुत संघर्ष हुआ है। जिन लोगों को मत देने का अधिकार मिल जाता है वह इसके महत्व को भूल जाते हैं और जिन्हें नहीं मिलता वह इसके लिए तरस जाते हैं। तो आइए इस मत के असली हकदार यानी हर मतदाता को आज मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में उनकी अहम जिम्मेदारियों को दर्शाने के लिए मैं कक्षा छठी व सातवीं के छात्रों को बुलाना चाहता हूँ। दृश्य एक गांव का स्कूल चुनाव आयोग अधिकारी। नमस्कार बच्चों। नमस्कार। क्या आपको पता है आज क्या खास बात है? आज तो मेले में जाएंगे। अरे नहीं, आज तो इसका जन्मदिन है। नहीं, आज तो अनुष्का शर्मा की शादी है। नहीं, आज तो फ्रेंडशिप डे है। अरे नहीं, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो चलो नहीं बता देती हूँ, आज मतदाता दिवस है जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1950 को चुनाव आयोग का निर्माण हुआ था, इसलिए आज जो बेहद ही खास लोग हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, बताओ वे कौन है? आप बताओ। दीपिका पादुकोण। अरे नहीं। विराट कोहली। नहीं। अनुष्का शर्मा। अरे नहीं। अमित शाह। अरे नहीं। तो चलो मैं ही बता देती हूँ। ये है सर जानेट और ये है मैम अक्षिता। ये सर और मैडम हमारे जिला के चुनाव अधिकारी हैं। ये है आपको आपके पहचान पत्र की ये आपको आपके मतदाता पहचान पत्र की जानकारी देने आए हैं। ये लीजिए बच्चों, इन फॉर्म को सही ढंग से भर के हमें जमा करवा दीजिए। भी हमारे देश का भविष्य है, सही चुनाव कीजिएगा। मैडम और सर, अब तो इसी देश के नागरिक है तो हमें मत देने के लिए फॉर्म भरने की क्या आवश्यकता है? सही बात कही आपने, लेकिन एक मतदाता को अपना मत अधिकार पाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। कैसी शर्तें? मतदाता मत देने के लिए इतनी जांच पड़ताल क्यों? आप सभी मतदाता हैं, आपका हर एक मत देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा, ऐसे में बुनियादी शर्त पूरा करना अनिवार्य है। अगर हम अपने किसी भी उम्मीदवार से खुश ना हो तो भी? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? आजकल खेल का सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। 2024 में होने वाले चुनाव को जीतने के लिए झूठे दिलासे दे रहे हैं। जब वह लोग जीत जाएंगे तब हम मतदाताओं को दर्शाएंगे। मैं आपकी निराशा से अवगत हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो उन्हें चेता भी सकते हैं और नहीं भी। मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
और इतना ही नहीं, आप उन पे समाज कल्याण का दबाव भी बना सकते हैं। तब आप अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे हथियार से मेरा मतलब है मत का अधिकार, यही तो हथियार है जो आपको बल देता है। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके सरकार को सभी पक्षों में निर्णय लेने को मजबूर कर सकते हैं। तो अब समझ में आया आपको मत क्या होता है? तो चलिए आज मतदाता दिवस पर हम एक शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की परंपराओं की मर्यादा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्मित होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।